नमस्कार, आज मैं सूजी और बेसन का चटपटा नाश्ता की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने आधा कटोरी सूजी को लिए हैं और आधा कटोरी बेसन। सबसे पहले एक बड़ा बॉल में सूजी को डाल देते हैं, साथ में इसमें बेसन को भी डाल देते हैं। जितना सूजी का मात्रा रहेगा उतना ही बेसन का भी मात्रा रखना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, एक हरी मिर्च उसे बारीक काट लिए हैं, तीखा आप अपने अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और एक चम्मच कसूरी मेथी है, उसे हम हाथ से इस तरह से कस करके डाल देते हैं, और नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इन सभी चीजों को पहले हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी को डाल करके इसका हमें एक पतला घोल तैयार करना है। एक ही बार में पूरा पानी को नहीं डालेंगे। इस तरह से इसका हम एकदम पतला घोल तैयार कर लिए हैं। इधर गैस ऑन करके फ्राई पैन को चढ़ा दिए हैं और फ्राई पैन में एक छोटा चम्मच तेल को डाल दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग को डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा राई है उसे भी डाल देते हैं। राई को थोड़ा चटका लेते हैं। राई चटकने लगा, अब इसे हम घोल को इस तरह से पहले मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद गैस का फ्लेम को लो कर दिए हैं और इसमें डाल देते हैं। डाल करके फटाफट इसे हमें चलाना है और इसका पानी को बिल्कुल ही सुखा लेना है। इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब थोड़ा सा इसमें हम तेल को डाल देते हैं और ऊपर से, और इसे हम इसमें फटाफट मिला लेते हैं। इस तरह से डो एकदम इकट्ठा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने देते हैं। सूजी और बेसन ठंडा हो गया है। अब इसे हम हाथ से मसल करके एकदम चिकना डो तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसका हम बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से हम छोटा सा लोई को निकाल लेते हैं और पहले इसे हम गोल कर लेते हैं। गोल करके इसे हम इस तरह से लंबा कर लेते हैं और इसका हम इस तरह से हाथ से दबा देते हैं। आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। इसी तरह से सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से सभी को बना करके तैयार कर लिए हैं। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक नाश्ता को इसमें डालते जा रहे हैं और गैस का फ्लेम को हाई पे ही रखना है। और चारों तरफ से इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से तल लेना है। अब इसे हम पलट देते हैं और दोनों तरफ से इसे हमें अच्छी तरह से तल लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से तला गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।